आपने मुझे याद किया? हाँ जीत सिंह, मकाओ से कुफेंग आया है, आज रात को ही उसे डिलीवरी देनी होगी। कितनी? 5 किलो हशीश, ये देखो इसमें रखी हुई है। 5 किलो? वाह वाह। उसका जहाज सी बर्ड डायमंड हार्बर पर खड़ा रहेगा। मैंने उसे खबर भेज दी है कि तुम ठीक 9 बजे सप्लाई लेकर वहां पहुंच जाओगे। सर, रूपचंद का आदमी आया है। रूपचंद का आदमी, दैट इज अजीत सिंह। आने दो, आने दो। आइए साहब। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। बट तुम जीत सिंह नहीं? नहीं। फिर तुम कौन है? लड़का, रूपचंद का लड़का। ओ आई सी। दिल बहुत बड़ी है ना, इसलिए डैडी ने हमको भेजा है। मगर तुम 20 मिनट पहला आ गया। वो क्या के गाड़ी बहुत तेज चला तो ना, इसलिए। ओ माल लाया? हाँ माल लाया, लेकिन गेट आउट, आउट। असली माल लाया हूँ, अब बेहोश हो जाएंगे। व्हाट? हाँ। समझा समझा। देखेंगे देखेंगे। तुम बाहर संभालो, मैं इसे ठिकाने लगाता हूँ। बॉस, वो आ गए। माय फ्रेंड, माय फ्रेंड जीत सिंह, वेलकम वेलकम माय फ्रेंड, वेलकम। आप कौन? आपको तो मैंने नहीं पहचाना। आपको नहीं पहचाना? बहुत दिनों के बाद मिलाना। कुफेंग, कुफेंग, कुफेंग। हाँ ठीक से देखो, देखो ठीक से देखो, कुफेंग। कुफिंग? हाँ। लेकिन आप तो बहुत बदल गए हैं। लॉट ऑफ चेंज। चेंज? कैसा चेंज, कैसा चेंज? ऐसा लगता है कि आपकी उम्र बहुत कम हो गई। उम्र कम हो गई? अरे ये क्यों नहीं कहता, हम फिर से जवान हो गया है। जवान? लेकिन तुमको यकीन नहीं आता ना। तुमको मालूम नहीं जवानी लड़के फंसते हमने क्या क्या किया? क्या क्या किया? क्या किया? तुम्हारी बीवी का उम्र बताओ। बोलो 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 बोलो। 30 साल। अरे भगाओ 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 बुड्ढी भगाओ, स्वीट 16 लाओ, स्वीट 16। स्वीट 16? 16 साल का चिंग चुंग चुंग लाएगा तो जवानी वापस आएगा। हम भी ऐसा करेगा। माल लाया? यस 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 यस। ये देखिए, ये देखिए, एकदम प्योर है ना? एकदम प्योर, पूरा 20 लाख का माल है मिस्टर कुफेंग। सेक्रेटरी। यस बॉस। ये रख लो और इनको 20 लाख का हीरा दे दो। मगर उन हीरो का तो हार बनाकर आपने अपनी स्वीट 16 को दे दिया है। दे दिया? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं जीत सिंह, हम तुमको हीरा जरूर देगा, लेकिन उससे पहले तुम हमारी स्वीट 16 से मिलो। स्वीट 16? गुविंग? ये मेरा डुप्लीकेट किधर से आ गया? हम डुप्लीकेट है यू रास्कल, हम तुमको गोली से उड़ा देगा। कोई चांस नहीं, क्योंकि तुम्हारी पिस्तौल भी डुप्लीकेट है। डुप्लीकेट? असली पिस्तौल तो इधर है। बुलेट? हाँ बुलेट। चालाकी नहीं करना। माल की डिलीवरी तो जीत सिंह ने दे दी, दाम तुम दोगे। दाम? 20 लाख के हीरे। मगर माल किधर है? माल तो हम हजम कर गए। तो फिर हम हीरा क्यों देगा? तुम्हें देना पड़ेगा कुफिंग। ये खूबसूरत तितलियां देख रहे हो ना, इनके हाथ जितने नाजुक हैं, इनके हाथ की पिस्तौल इतने नाजुक नहीं है। अगर गोलियां चलेंगी तो तुम्हारे बदन पर 36 सुराख बन जाएंगे। 36? देता हूँ देता हूँ, ये लो। चलो अब एक पते की बात सुनो कुफी, जल्दी से अपना जहाज लेकर सरहद के पास चले जाओ, ये तो थोड़ी देर बाद कोस्टल पुलिस तुम्हारे जहाज में छापा मारेगी।
जीत सिंह हमारा 20 लाख का हीरा चला गया। अरे मिस्टर कूप सिंह, तुम्हारा तो हीरा गया है, मेरा तो 20 लाख का माल चला गया है। मैं अपने सेठ को क्या जवाब दूंगा? लगता है कि 9 बजे तक पहुंच जाएंगे। हाँ बादशाह। ये क्या है बुलेट? मेरे पिताजी का आशीर्वाद, इसमें उनकी तस्वीर है। 15 साल से उनका कोई पता नहीं चला। कोर्ट तक आ गए, मैं बुलेट को खबर करके आता हूं। बुलेट, उनकी गाड़ियां आ रही हैं। जैसे ट्रक इधर से गुजरेगा मैं गोली चलाऊंगा। ड्राइवर को गोली लगते ही दामोदर और घनश्याम ट्रक लेके भागेंगे। ओके बुलेट। गेट रेडी। पुलिस कहां से आ गई? ठिकाने लगा दो इन्हें। नहीं, देखते हैं वो लोग क्या करते हैं। ट्रक में क्या है? माल है। तलाशी लो। भागने की कोशिश करता है। अरे सिम, और ट्रक को कब्जे में ले लो। साली ने तो पूरा काम ही बिगाड़ दिया। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। से 15 साल पहले इस हरामजादी की मां मेरी कमजोरी बन गई थी। इसके बाप को जेल भिजवाकर जैसे ही मैं इसके मां के पास पहुंचा तो इस सांप के बच्चे ने कटारी मारकर मुझे लंगड़ा बना दिया। ये क्या कह रहे हैं? हाँ डिकोस्टा, तब से हर पल हर घड़ी मैं उसे ढूंढ रहा हूं। लेकिन यहोनी भी कभी कभी शतरंज की चाल खेलती है। वही सांप आज मेरे आस्तीन में पल रहा है। मेरे सेठ जी, आप कहे तो इस हरामजादे की दोनों टांगे काट दू। नहीं डिकोस्टा, नहीं, ये शुभ काम रूपचंद करेगा। रूपचंद? हाँ रूपचंद। ये रूपचंद बुलेट के खून का प्यासा है, वो ये मौका हाथ से नहीं जाने देगा और हम भी इस मौके का पूरा फायदा उठाएंगे। बुलेट की कीमत होगी 15 लाख रुपया। जाओ जाओ जाओ, अभी अभी इसी वक्त रूपचंद को फोन करो। जाओ जाओ।
हेलो, तुम्हारा दुश्मन बुलेट अब हमारे कब्जे में है, सौदा करोगे? कैसा सौदा? बुलेट का सौदा। हाँ, कीमत बताओ। 15 लाख। मिलेंगे, लेकिन बुलेट मुझे जिंदा चाहिए। जिंदा मिलेगा। रुपया लेकर रात के 12 बजे बॉटनिकल गार्डन के सामने गंगा किनारे हमारा इंतजार करना। रूपचंद राजी है सेठ जी, रात 12 बजे वो लोग बुलेट को खरीदने आएंगे। उन्हें बुलेट चाहिए लेकिन जिंदा। मुझे मारने वाला अभी तक पैदा नहीं हुआ कालीचरण। मुझे नहीं मालूम था तू ही वो हरामजादा मदन लाल है जिसे मैं 15 साल से ढूंढ रहा हूं। उड़ा दूं तुझे? नहीं, रिवॉल्वर हटा दो डिकोस्टा। मुर्दा बुलेट का दाम रूपचंद कौड़ी भी नहीं देगा। ले जाओ इसको।